ढाई तीन घंटे रुकेंगे, ढाई घंटे रुकेंगे, और मैं समझता हूँ, हम लोग सब समझते हैं कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत और अच्छी तरह से नहीं हो सकती थी जितना कि जब राहुल जी स्वर्ण मंदिर जाएंगे और आज रात को, आज दोपहर को ही 4 बजे तक वो सरहद लौट आएंगे। कल सुबह फ्लैग ट्रांसफर के बाद, जिसका डिटेल हमारे प्रभारी आपको देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे पंजाब का भारत जोड़ो यात्रा। कल 11 तारीख है, पूरा दिन भारत जोड़ो यात्रा होगा। 12 तारीख को सुबह लगातार हम 25 किलोमीटर चलेंगे। आपने देखा है रोज हम 25 किलोमीटर चलते हैं, पर वो 25 किलोमीटर दो चरण में होते हैं, सुबह 14 और दोपहर को और शाम को 11। पर 12 तारीख को हम लगातार 25 किलोमीटर चलेंगे। 1 बजे खत्म हो जाएगा। 12 तारीख के दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा और 13 तारीख को विश्राम का दिन है, क्योंकि लोहड़ी का त्योहार है। तो हम 12 तारीख दोपहर से ही विश्राम शुरू होगा। तो पहले ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 12 दोपहर को और 13 भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा और 14 को हम फिर से शुरू करेंगे और 15 तारीख को राहुल जी की प्रेस वार्ता जलंधर में होगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत विशेषताएं रही है। पानीपत का रैली और उमदा रैली था, जो जनता से हमें स्वागत मिला, महिलाओं से, युवकों से, वो भी बहुत उमदा था। 3 खास मुलाकातें जो राहुल जी की हुई है, जय जवान पूर्व सैनिकों से, जय किसान किसान संगठनों से और जय पहलवान स्पोर्ट्समैन से। हालांकि कल एक छोटा सा इंटरेक्शन जय विज्ञान से भी हुआ था, जो अंबाला के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो MSME है, उनकी भी मुलाकात राहुल जी से हुई थी और किसान संगठनों का मुलाकात बहुत विशेष मायने रखता है। उनके ओर से 3 बहुत बड़े मुद्दे राहुल जी के सामने उन्होंने रखा। एक तो MSP का लीगल गारंटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी निजी ट्रेड की भूमिका बढ़ रही है और वो MSP के जो दाम जिसमें खरीदते हैं वो MSP से कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भूमि अधिग्रहण कानून UPA सरकार के समय में बनाया गया था सितंबर 2013 में, उसमें हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के साथ साथ और राष्ट्रपति की भी अनुमति मिली है, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं, वो किसान के हित में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, याद रखिए मैंने कहा जब सरकार आएगी, मैंने ये नहीं कहा अगर सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी तब 24 का ही है जिक्र, जब 2024 में चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, वो अब कह नहीं सकते, इसलिए जब अगले चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तब ये भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने मांग की कि इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है। और किसान संबंधित कई मुद्दे और बातचीत हुई, राहुल जी ने भी काफी लंबे इस चर्चा में भाग लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और किसान संगठन के बीच में एक भागीदारी है, एक पार्टनरशिप है और हम हमेशा किसान संगठनों के साथ बातचीत करते रहेंगे। और जहां हमारी सरकारें हैं, आज हमारे 3 सरकार हैं हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वहां जो हमारी सरकारें हैं
जितना राज्य सरकार कर सकती है वो खुद इसमें देखेंगे कि क्या और राज्य सरकार की ओर से किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों का कर्जा माफी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक होता है तो उसको केंद्र सरकार को करना पड़ता है, बट कोऑपरेटिव बैंक में राज्य सरकार कर सकती है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो केंद्र सरकार से ही एक्शन लेना पड़ता है, पर कुछ कार्रवाई राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। तो उन्होंने आश्वासन किया दिया किसान संगठनों को कि वो कांग्रेस सरकारों के साथ बातचीत करके, मुख्यमंत्रियों से बात करके जो मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से, जो राज्य सरकार पूरी कर सकती है, वो जरूर उस पर अगले कदम लेंगे। तो मैं अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग सब हरियाणा कांग्रेस के पीसीसी हुड्डा साहब, पीसीसी अध्यक्ष उदयपान जी, हमारे प्रभारी एआईसीसी के शक्ति सिंह गोयल जी, सभी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से भारत जोड़ो यात्रा को इतना सफल बनाया हरियाणा में। हमने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा में न केवल हमने ठंड का सामना करना पड़ा, पर हमें हर एक जिले में सड़कों से भी काफी खतरा का सामना पड़ा, न केवल मौसम से पर सड़क से। और मुझे खुद पहली बार 115 दिन में बाएं पांव में चोट लगा है, क्योंकि जब मैंने हरियाणा के 7 जिले में सड़कें नहीं देखी, गड्ढे देखे, और गड्ढे के बीच में थोड़ा टार, थोड़ा बिट्यूमेन देखा है। पहले जब मैं कहा था नू में और गुरुग्राम में, तो लोगों ने कहा नहीं 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 साहब, आप अंबाला आइए, कुरुक्षेत्र आइए, पानीपत आइए। पर वही हालत हमने इन जिलों में देखा, आज सुबह भी मैंने देखा। एक जमाना था जब लोग कहते थे हरियाणा के माफिक सड़क एक मिसाल बन गया था हमारे देश के। और आज मैं कन्याकुमारी से चला हूं, हर राज्य से मैंने देखा है, मध्य प्रदेश और हरियाणा के सड़कों की जो स्थिति है सबसे बुरी। और ये हरियाणा पर ये कलंक, एक जमाना था जब लोग कहते थे, प्लानिंग कमीशन सभी राज्यों को कहता था हरियाणा के माफी का सड़क बनाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी, सड़कों का जो मेंटेनेंस करना है, अपग्रेडेशन करना है, नेशनल हाईवे की नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्टेट रोड की बात कर रहा हूं, स्टेट हाईवेज की बात कर रहा हूं, तो मैं अभी हुड्डा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें, उसके बाद हमारे प्रभारी आपको कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। हुड्डा साहब, हमारे मीडिया के चेयरमैन जयराम जी और शक्ति सिंह जी इंचार्ज, वैसे भी मेरे विधायक साथीगण उपस्थित, पत्रकार बंधु, लेकिन जैसा कहा जयराम रमेश जी ने कि 8 दिन यहाँ हरियाणा में राहुल जी ने यात्रा चलाई और 7 जिलों में आए, और 7 जिले भी ऐसे आए, मतलब जो दिल्ली के बाद जो हम चले हैं, जहां हमारी पार्टी कमजोर रही पिछले चुनाव में, लेकिन लोगों का जो रेस्पॉन्स देखा है, जिस प्रकार से लोग उमड़ के आ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूं हर वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, हर वर्ग के बहुत इतनी उमंग से आ रहे थे कि ये मैं कह सकता हूं ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल गई हरियाणा में। और ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने, सड़कों की हालत खस्ता देखकर हमारे बहुत अपने आप पर वो हो रहे थे, क्योंकि सड़क में गड्ढे तो सुने थे, लेकिन गड्ढों में सड़क बन रही थी, हमारे को ऐसी हालत हो रही थी कई जगह, तो बहुत बहुत ही
व्यवस्था, क्योंकि 8 साल से इस सरकार ने कोई मेंटेनेंस नहीं करी, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्टेडियम हो गांव के, चाहे और कोई भी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पर। और जो मुद्दे जो है, जो हरियाणा 2014 में कांग्रेस के समय में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था पूरे देश में, आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया है 37.4 सीएम आएगी। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो प्राइवेट संस्था है, लेकिन जब यूपी में चुनाव होता है तो अपनी एडवर्टाइजमेंट में सीएम आई की रिपोर्ट देते हैं, गुजरात में देते हैं, हरियाणा में, अब किस पे यकीन करेंगे। तो इस बात पे है, और मैं तय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, एक तो जिन्होंने इंतजाम करने में पूरा सहयोग दिया, हमारे विधायकों ने और कमेटियां जो बनाई हुई थी हमने उन्होंने, और जनता का, लोगों का, जिस हिसाब से आए, अनुशासित रहे, और जो उनका उन्होंने प्रेम और स्नेह दिया यात्रा को, किस प्रकार से राहुल जी को बच्चे भी मिल रहे थे, महिलाएं भी मिल रही थी, बुजुर्ग भी मिल रहे थे, हर वर्ग मिल रहा था, फोटो खिंचवाने के लिए भी, कोई बात करने के लिए, सब अपनी समस्याएं रखी, अलग अलग इंटरेक्शन किए। यहाँ राहुल जी ने जैसा बताया, मतलब किसानों से, और जैसे आज अनएम्प्लॉयड यूथ से हुआ, इस प्रकार से अलग अलग पंचायती राज का हो रहा है, अलग अलग संस्था थी, और काफी रास्ते में चर्चाएं हुई राहुल जी की बहुत सारे व्यक्तियों के साथ। तो ये मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, और जो यात्री हैं, यात्रियों को भी शुभकामनाएं भी देता हूँ, और अपनी तरफ से ये भी कहता हूँ पूरे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, कोई कमी रहेगी होगी तो हमारे को ये क्षमा करेंगे। हमने प्रयास किया है पूरा अपना कि भाई इनका स्टे कंफर्टेबल हो, तो ये प्रयास किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तो है फिर से राहुल जी की जो ये यात्रा चली है, जो इश्यूज लेके चले हैं, वो बहुत ही अहम इश्यूज है, और देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए ये यात्रा बहुत, आप देखेंगे, इतिहास में लिखी जाएगी। शुक्रिया हुड्डा साहब। शक्ति सिंह। थैंक यू जयराम जी। मैं सबसे पहले तो प्रेस और मीडिया के सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन, कई कई आप लोगों की नेगेटिव टिप्पणियां भी हमें हमारी बात पहुंचाने में, आपके कभी अच्छे सवाल, कभी आपके एसिडिक सवाल, हमको हमारी बात रखने में एक अच्छा मौका देते रहे। इसलिए मैं प्रेस और मीडिया के सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के सभी सज्जनों, देवियों, साथियों, बच्चों, युवकों सबका धन्यवाद करता हूं। इस यात्रा को सफल बनाने में सबसे बड़ा श्रेय यहाँ की जनता का है कि जिन्होंने देखा एक पाक साफ नेता रोड पे चल के सच्चे मायने में एक तपस्या कर रहा है, तो उसे साथ देना है। ये मान के लोग घरों से निकले, सुबह 6 बजे निकलना मुश्किल होता है। मुझे कहा गया था कि हरियाणा में महिला दिन मत करो, यहाँ तो महिलाएं निकलती नहीं, 6 बजे कौन निकलेगी। मैं उन बहनों, बेटियों, माताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि महिला दिन असल में महिला दिन बन के रह गया, और किसी ने नहीं सोचा था कि जहां सेक्स रेशियो इतना डिफरेंट हो, वहां इतनी महिलाएं राहुल गांधी जी की यात्रा में पूरे दिन भर रहेंगी। पर कल आप सब ने देखा कि महिला दिन रहा, और हम सब दूर दूर रहे, महिलाएं राहुल गांधी जी के साथ डायलॉग करती, बात करते रही। पूरे हरियाणा में उन लोगों की आवाज जो ना दिल्ली तक पहुंचती है, ना बड़े नेताओं तक पहुंचती है, उन समस्याओं और आवाज को राहुल गांधी जी ने कान दिया, आवाज दी, और उनसे बहुत बातें की, उनके मन की सुनी। तो मैं हरियाणा के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं इस मौके पे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का,
सभी कार्यकर्ताओं का एक प्रभारी के नाते दिल से धन्यवाद मानता हूँ। मुझे आप में से कुछ लोग शुरू में डरा रहे थे कि गुंडबाजी है, कैसे यात्रा करोगे, आप भारत जोड़ो करते हो, हरियाणा में कांग्रेस कहां जुड़ेगी। आप सब ने देखा कि सिर्फ कदम नहीं, हमारे नेताओं ने दिल लगा के कदम तो मिलाए, दिल भी मिलाए और साथ मिलके सबने काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हुड्डा साहब, हमारे दो जनरल सेक्रेटरी एनसीसी में हरियाणा से हैं भाई रणदीप सुरजेवाला जी, सेलजा जी, हमारे सारे विधायक, वो विधायक बन के अहंकार में नहीं रहे, कार्यकर्ता बन के जमीन पे काम किया। हमारे इंचार्ज यात्रा के भाई दानसिंह जी, राव दानसिंह जी ने पूरे परिवार को लगा दिया था सेवा में। ऐसे बहुत नाम है जो कमिटीज के चेयरमैन, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, मैं सभी का एक इंचार्ज के नाते दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ, दीपेंद्र सिंह हमारे एकलौते एमपी हैं, तो वो भी साथ बिल्कुल लगे रहे हैं। और आपने देखा कि कहीं पर कोई गुट से ऊपर मोहब्बत की दुकान खोल के सबने काम किया है। आज आखिरी पड़ाव माँ अंबा के नाम से जिस शहर को नाम मिला है अंबाला, उस शहर में जहां हमारी सेना के दो कोर के मुख्यालय आए हैं, ये वो शहर है जहां महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को फांसी दी गई थी। ये वो शहर है जहां पे 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन चला, उसमें अंबाला का बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस के स्थापक सदस्यों में से अंबाला के हमारे उस वक्त के महान नेता अंबाला से रहे, तो ऐसे शहर में आज हमारा आखिरी पड़ाव है। मैं आप सभी का और हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं और जन हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं। आखिर में मैं आपके, जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन का आदेश था कल के प्रोग्राम के बारे में, आपका सुझाव मेरे लिए आदेश है। कल जो है हरियाणा से, आज रात ही हम पंजाब बॉर्डर में पहुंचेंगे, पर हमारा कल का, आज हम फ्लैग दे सकते थे, पर पंजाब में कल बहुत बड़ा दिन है और सभी का मानना ये था कि फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा के अंदर माथा टेकने के बाद हम फ्लैग लेंगे, जो हमें भी अच्छा लगा। तो कल सुबह 6 बजे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सिरहिंद माथा टेकने के बाद 6 बजे 6:30 बजे फ्लैग सेरेमनी होगी, वो बस स्टैंड के पास सिरहिंद पे होगी। आपको लोकेशन में साझा कर दूंगा ट्विटर पे। 7 बजे कल पद यात्रा शुरू होगी, 10 बजे हमारा मॉर्निंग ब्रेक होगा खालसा ग्राउंड मंडी गोविंदगढ़ पे, 3:30 बजे फिर पद यात्रा शुरू होगी और शाम का हमारा ब्रेक होटल ग्रीनलैंड खाना, उसके पास हमारा ब्रेक होगा खाना। और ये कल का हमारा पंजाब का प्रोग्राम रहेगा, वो मैंने आपसे साझा किया है। आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं, आपको भी नया साल शुरू हुआ है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। कुछ सवाल है तो मुल्ला साहब, ये सवाल है कि कल राहुल गांधी जी ने मौलाना के अंदर बोला कि 21वीं सदी में खाकी जो है हाफ पैंट में जो कौरव नजर आते हैं, उनका इशारा क्या आरएसएस की तरफ था या नरेंद्र मोदी जी की तरफ था? आप जानते हैं किसकी इशारा। सर जयराम जी, जयराम जी आपने बात की है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने एक दिन महिलाओं को दिया है। अगर हरियाणा की बात करें तो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उस पर बड़े गंभीर एलिगेशन लगे हैं, हुड्डा साहब भी बैठे हैं, संदीप सिंह,
और उस केस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हुड्डा साहब से मैंने गुजारिश की, कांग्रेस का स्टैंड कई दफा आ चुका हमारे को, क्योंकि एसआईटी बनाई है और मैं किसी को निर्दोष या दोषी नहीं ठहरा सकता जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो। मैंने ये कहा था, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है ये मंत्री इस्तीफा दें और फिर निष्पक्ष जांच हो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ डेली, और सेटिस्फेक्शन ना हो तो हाईकोर्ट के जज के द्वारा ये जांच होनी चाहिए। सर मेरा सवाल जयराम रमेश जी से है। सर आपकी यात्रा का मकसद है वो नफरत दूर करना है, तो जिस समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है, मतलब उसके खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि वो दूसरे दर्जे का नागरिक आज बना दिया गया है, क्या वो समुदाय आपकी इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहा है? और अगर आप सत्ता में या फिर जब भी आप सत्ता में आए तो आपके पास ठोस एजेंडा क्या होगा उनको मेन स्ट्रीम में या फिर बराबरी का हक दिलवाने में? जिस समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है उस क्या वो समुदाय आपसे नफरत भाषा के नाम पर फैलाई जा रही है, प्रांत के नाम पर फैलाई जा रही है, जाति के नाम पर फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है, कोई ठिकाने सब। जहां हमारे समाज में अनेकता है उस अनेकता को उसका दुरुपयोग हो रहा है ताकि समाज बांटा जाए। हमारा काम है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये संदेशा पहुंचाना कि कांग्रेस पार्टी जोड़ती है तोड़ती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है, हमारे संविधान जब बना था तब हमारे संविधान के निर्माता ने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। भारत जोड़ो यात्रा का सिद्धांत है न केवल अनेकता में एकता पर अनेकता से एकता। अगर आप अनेकताओं को दबाएंगे तो एकता कमजोर होगा, अगर आप अनेकताओं को सम्मान देंगे, आप अनेकताओं को स्वीकारेंगे, आप अनेकताओं का जश्न मनाएंगे तब हमारी एकता भी मजबूत होगी। तो हमारी अनेकताओं को सुरक्षित रखना कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी है, हमेशा रही है और रहती रहेगी। हम किसी भी विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे अनेकताओं को इसलिए उपयोग करेगी ताकि हम समाज को बांटें, ताकि हमें चुनावी फायदा पहुंचे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी के आधार पर, मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ये नफरत फैलाई जा रही है कई तरीके, धर्म का भी दुरुपयोग हो रहा है, जाति का, भाषा का, तो अलग अलग चीजें हैं। एक बात स्पष्ट है भारत जोड़ो यात्रा से, जब राहुल जी बोलते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इसमें सब शामिल है, हर एक अनेकता इसमें शामिल है। सर मेरे दो सवाल हैं, एक हुड्डा साहब से और एक जयराम जी आपसे, दो सवाल है। एक हुड्डा साहब आपसे सवाल है, मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगारी है वो 6% है, आप इस पर क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि 37% बेरोजगारी और मुख्यमंत्री कहते हैं 6% बेरोजगारी। ये सीएमआई की रिपोर्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं, हरियाणा में यहाँ बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट सीएमआई की यूपी में कैसे ठीक हो जाती है, गुजरात में कैसे मान्य होती है? या तो वो ये कहें भी गुजरात और उसके भी आंकड़े गलत हैं यूपी के, तो ये कई दफा असेंबली में भी कह चुका हूं। सीएम के जो आंकड़े हैं उसको कैसे देखते हैं? ये ऐसा है, ये सीएमआई के आंकड़े ठीक है। बीजेपी और आरएसएस इनको कहा है कि पांडव हम लोग हैं और ये कौरव लोग हैं। ये लोग बीजेपी के हर वक्तव्य पर मुझे कोई टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। जिस तरीके से बीजेपी ने जो रिटायर्ड जनरल थे जो राहुल जी के साथ चले और राहुल जी से मुलाकात की, वो उनको बहुत गौरव प्राप्त हुआ है पिछले 40-45 सालों में। इतना अपमान किया कल परसों बीजेपी की ओर से, इस बहुत निंदनीय है। ये रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं,
लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, वो बात करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो चीन के साथ हमारी जो समस्याएं हैं सीमा पर उस पर बात करना चाहते थे, और बीजेपी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत उनका अपमान करने की कोशिश की सोशल मीडिया में, मैं समझता हूँ उस पर मैं डिपेंड हमने एकदम हमने डिपेंड नहीं की। तो ऐसे वक्तव्यों पर जहां गलत प्रचार किया जाता है उस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार हूं। सर, राहुल जी ने 7-8 दिन हरियाणा में बिताए और भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, निश्चित तौर पे चलो भारत जोड़ो में जो है कांग्रेस को जोड़ने में तो कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन हरियाणा के जो मुद्दे थे वो मन से नहीं उठे जिससे लोग जुड़ते, जैसे अभी एक अग्निवीर को लेके बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा, लेकिन अंबाला में लोग एनडीसी को लेके, हरियाणा में पूरे हरियाणा में लोग परेशान है, पिछले 8 सालों से लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही, नगर निगम नरक निगम बना हुआ है, तो इन मुद्दों को कैसे इग्नोर कर दिया गया। मैं हुड्डा साहब से और शक्ति सिंह से गुजारिश करूंगा आपका सवाल जो है उसका जवाब दे, पर मैं कह दूं भारत जोड़ो यात्रा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं उस पर राहुल जी ध्यान दे रहे हैं और उस पर जहां उनको मौका मिलता है उसके बारे में बोलते हैं। जो लोकल समस्या है हरियाणा में किसानों की समस्या है, उन्होंने किसान की समस्या के बारे में बात की, यहां पूर्व सैनिकों की जो संख्या है उन्होंने राहुल जी से भेंट की, उन्होंने कहा कि जो पेंशन के बारे में हमें वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए उसके बारे में राहुल जी ने बात की। आप पूछ रहे हैं अंबाला आए हैं, अंबाला में जो लोकल इश्यूज है उस पर भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ नहीं कहा, ये मैं नहीं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, पर जो समस्याएं हैं वो जरूर मैं उनसे इनकार भाग नहीं रहा हूँ। मैं हुड्डा जी से और शक्ति सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि इसका जवाब हुड्डा जी अंबाला से। ऐसा है इस सवाल का जवाब तो कई बार हम दे चुके हैं, आप नहीं लिखोगे तो हम क्या करेंगे कि ये दिस गवर्नमेंट इज मोस्ट फेल्ड गवर्नमेंट, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, दिस इज द रीजन फॉर दैट। और जितनी पॉलिसी लेके आए हैं, चाहे में ये परिवार पहचान पत्र है, चाहे आईडी वो है, या रोजगार कौशल रोजगार योजना है, सब जो है मतलब की उससे करप्शन ही करप्शन हो रही है। जयराम जी एक दफा कह चुका मैं, लिख दिया करो आप जी। जयराम जी सर, जब आप अंबाला की बात करते हो तो यहाँ पे कापर, टेक्सटाइल, चीनी, मिट्टी के बर्तन, इसके लिए अंबाला बहुत ही सुप्रसिद्ध है, और इन चारों में बीजेपी सरकार आने के बाद दिक्कतें आई हैं। चीनी के पैसे किसान बेचने के बाद, गन्ना बेचने के बाद कितने दिन बाद मिलता है आप खुद जानते हो, और कितना किसानों पे अत्याचार हुआ है वो सब बात राहुल जी ने सबकी सुनी है, जहां मौका मिला है उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, और इन सारे मुद्दों को आप चाहे हमारी रैली को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, इंटरेक्शन में देखें, लोकल नेशनल इश्यूज भी उठाए हैं, और कल को हमारी सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री नहीं, कैसा मुख्यमंत्री कि जो इस सवालों का उकेल ढूंढे, वो राहुल गांधी जी सबसे डायलॉग करते हैं, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि लोकल समस्या, और इसीलिए तो निकले हैं, लोकल लोगों की बातें सुनी है और उनकी जो समस्याएं हैं, और खुद जब पैदल पे चलते हैं तो पता भी चलता है कि क्या हालत है, जो आपके वहां कर्जा बढ़ा है वो भी लोगों ने खुद कहा है, पुलिस के जवान जो हो या महिलाएं पुलिस कांस्टेबल रस्सा लेके चल रही थी, हम कहते थे कि सॉरी आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, बोले नहीं पूरा उठाएंगे, हम भी चाहते कि बहुत परेशान हो गए इस सरकार में, अब सरकार बदले आपकी सरकार आए तो पुरानी पेंशन से लेके बहुत हमारा काम होगा, तो ये हालत है यहाँ की। थैंक यू जयराम जी, एक सवाल है सर, अभी लंच इंतजार कर रहा हूं जयराम जी सर, एक सवाल है, आप केंद्र सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं पूरे देश में घूम के, राज्य सरकारों के भी गिनवा रहे हैं, आपकी भी 3 राज्यों में सरकारें हैं, तो आप उनके काम नहीं गिनवा रहे, कौन से काम अच्छे हैं जो बाकी सरकारों को कॉपी करने चाहिए, आपके काम गिनवाने चाहिए? ये वक्त नहीं है उसको गिनाने का, पर राजस्थान में अगर आपने देखा होगा, राजस्थान में जब राहुल जी थे, जब भारत जोड़ो यात्रा हम राजस्थान को गुजरे, जो राजस्थान सरकार के चिरंजीवी
स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में हमने काफी, राहुल जी ने उस पर लंबी बात की और उन्होंने कहा कि दूसरों राज्यों के लिए ये मिसाल है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं, पुराने पेंशन स्कीम है, छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार ने लागू किया है। तो ये बात गलत है कहना कि राहुल जी ने ये बात नहीं उठाए हैं कि जो कार्यक्रम है, उल्लेखनीय कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, कांग्रेस का सरकारों जो चला रहे हैं उनकी बात हमने नहीं की। उनका समस्या यही है कि आप लिखते नहीं हो उसके बारे में, आप उनके बारे में लिखते नहीं हो। नीति आयोग तो कोई श्रेय देता नहीं है। एक जमाना हुआ करता था जब प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वो किसी भी सरकार में अच्छा काम हो रहा था तो वो कहता था ये अच्छा काम है। अब तो नीति आयोग तो प्रधानमंत्री कार्यालय का एक डिपार्टमेंट बन गया है। तो अगर राजस्थान सरकार में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और आपको आश्चर्य होगा राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 10 लाख रुपए तक सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है इंश्योरेंस के माध्यम से। सरकार सारा खर्चा का बोझ सरकार पर आता है 10 लाख तक, और 10 में से 9 नागरिक राजस्थान में कवर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये और किसी भी राज्य में नहीं है। इन्होंने मुझे याद दिलाया ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, न्याय योजना है छत्तीसगढ़ में, कई कार्यक्रम है। गैस सिलेंडर का की जो घोषणा की गई 500 रुपया सीमा होगा गैस सिलेंडर का दाम, अशोक गहलोत जी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी मीटिंग अलवर में इसकी घोषणा की। तो ये सरकार तो इसका ध्यान करती ही नहीं है, हमेशा आलोचना करती रहते हैं। वास्तविकता यह है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल तो अभी सरकार अभी आई है, पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और जब हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में जो गिराया गया मार्च 2020 में, उस सरकार ने भी बहुत ऐसे काम किए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है, खास तौर से कर्जा माफी जो कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया था। हम लोग तो पूरे रास्ते में मीडिया स्टैंड से देखते हुए चल रहे थे, जो आपके स्वागत करने के होर्डिंग, बैनर, तस्वीरें थी उसमें अगर एक नेता की फोटो थी तो बाकी दोनों की नहीं थी। अगर किसी एक की होती नहीं, नहीं, गलत कार्यकर्ता हो तो संदेश क्यों नहीं? आपने गलत है, आपने पूरा देखा नहीं है। सब देखा मैंने, देखिए इसका एक सेकंड भैया, एक सेकंड इसका जवाब तो दे दे। देखिए आप सब ने पूरे होर्डिंग्स देखे होंगे, हमारे वहां कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अंदरूनी लोकतंत्र है। पर आपने ऊपर देखा होगा कि हर नेता का सर्कल में सबने फोटो लगाने की कोशिश की। हाँ, होता है राजनीति में, मेरे साथ 10 लोग जुड़े हैं, उनका उत्साह होता है कि राहुल जी का फोटो तो मेन रहा, पर मेरा फोटो डालेंगे, पर बीसीसी सीएलपी लीडर्स के फोटो हर ऊपर बैनर में रहे। कहीं किसी ने एक नेता के साथ जुड़ा है तो लगाए उसमें कोई, हाँ मेरा भी फोटो है, कुछ लोगों ने मेरा भी, मेरा कौन सा गुट है यहाँ, मुझे यहाँ कोई राजनीति करनी नहीं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि ना मेरा जिंदाबाद होगा ना मेरा फोटो होना चाहिए, फिर भी लोग लगाते हैं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी जिंदाबाद में सबका जिंदाबाद आ जाता है, कांग्रेस जिंदाबाद में शक्ति से आ जाता है। राहुल जी का फोटो आ गया, हमारा सिंबल आ गया, खड़गे जी का फोटो, सोनिया जी का आ गया, तो मैं उसमें समाविष्ट हूँ। पर फिर भी कार्यकर्ता का एक जोश और उत्साह होता है, कदम से कदम कार्यकर्ता ने भी मिलाया है, नेताओं ने भी मिलाया है। हमारे वहां डिक्टेटरशिप नहीं है कि हरेन पंड्या ने एक लफ्ज जी मुख्यमंत्री थे वो बोले, पॉलिटिकली उसका कत्ल नहीं हुआ, माने जब तक उसका टिकट काटा नहीं। मोदी जी ने कहा मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, और उसके बाद हरेन पंड्या की फिजिकल हत्या हुई। हरेन पंड्या जी कहते थे कि मेरे बेटे का कातिल यही है। तो ये वहां होता है, हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है। थैंक यू।